नमस्कार। बीते 9 अप्रैल को नायगांव में एक प्रॉपर्टी विवाद में एक 17 वर्षीय नव युवक के कान का पर्दा फट जाता है। वही यह नव युवक आरोप लगाता है कि उसे नायगांव पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मियों के द्वारा पीटा गया। ऐसा ही आरोप उसकी बहन भी लगाती है और यही आरोप इश्तियाक भी लगाता है, जो इस प्रॉपर्टी विवाद से संबंधित होता है। वही इस विषय पर हमारे द्वारा खबर भी चलाई जाती है। वही हमारी इस खबर को देखने के बाद इश्तियाक के साथ प्रॉपर्टी विवाद से जुड़े अन्य लोग हमें संपर्क कर हमारे स्टूडियो में आकर इस विवाद से संबंधित मामलों की अहम जानकारी भी हमें मुहैया करवाते हैं। साथ ही उन लोगों के द्वारा नायगांव पुलिस कर्मियों पर लगे गंभीर आरोपों के विषय पर हमें सारी जानकारी भी दी गई। देखिए आरोप प्रत्यारोप के बीच नायगांव पुलिस कर्मियों पर लगे गंभीर आरोपों के पीछे की असल कहानी। अभी हाल ही में हमने अपने न्यूज चैनल में नायगांव पुलिस द्वारा एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़के को पीटने की खबर लगाई थी, जिसमें लड़के के रिश्तेदारों ने वो लड़के ने खुद यह आरोप लगाया था कि 9 अप्रैल के दोपहर 3 से 3:30 बजे के आसपास नायगांव पुलिस स्टेशन के दो पुलिस कर्मी विनोद वाघ वो राठौर द्वारा उन्हें पहले विवादित जमीन पर मारा पीटा गया और बाद में पुलिस स्टेशन ले जाकर भी पीटा गया। जिस पर जब इस बारे में हमारी टीम ने जांच पड़ताल की और जानकारी जुटाई तो पता चला कि विवाद के समय वाघ व राठौर वसई में एसीपी मैडम के साथ मीटिंग में थे। तो अब सवाल उठता है कि आखिर सैफ नामक इस 17 वर्षीय लड़के को किसने पीटा। तो वहीं मामले में हमारी खबर के उपरांत हमें जानकारी देने शाहिद नामक शख्स पहुंचा। ये वही शाहिद था जिसका नाम इश्तियाक बार बार ले रहा था। तो वहीं साहिब ने बताया कि किस प्रकार सर्वे नंबर 350, 348 वो 360 की विवादित जमीन पर साहिब को इश्तियाक वो अन्य तीन इसे कुल चार लोग मिलकर मारपीट रहे थे, जिस पर बीच बचाव के दौरान साहिब के हाथों से उस 17 वर्ष के लड़के को चोट आई। मतलब पुलिस कर्मियों पर लगाए गए आरोप यहाँ झूठे सिद्ध हुए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफसार सिद्दीकी। आपका नायगांव के प्रॉपर्टी पर इश्तियाक के साथ क्या प्रॉपर्टी विवाद है? कोई विवाद नहीं है, उसका क्या है? वो तो कहता है कि मैं भी हकदार हूँ उस प्रॉपर्टी का। कुछ नहीं है उसका, कुछ भी नहीं है उसका। कुछ भी नहीं है उसका। तो क्या झगड़ा वगैरह किस बात से चल रहा था? किसी बात से नहीं चल रहा झगड़ा। वो झगड़ा का विवाद ये है कि वो जबरदस्ती कर रहा था, वहां पे बेच रहा था लोगों को। तो हमें नए गांव के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने बोला कि सीसीटीवी कैमरा लगाइए आप। तो हमने वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगाया, उसको लेके जो है वहां पे विवाद चालू है। विवाद किसने किया? इश्तियाक ने। क्यों? क्या वो नहीं चाहता था कि सीसीटीवी कैमरा लगे? वो नहीं चाहता सीसीटीवी कैमरा लगे। क्यों नहीं चाहता था? इसके लिए नहीं चाहता एक सीसीटीवी कैमरा लगे कि सीसीटीवी कैमरा लगने के बाद वहां पे उसने किससे कितना पैसा उठाया, किसको बेचा है, क्या किया है, सब सामने आ जाएगा लोगों का। क्या हुआ था 9 तारीख को? हुआ ऐसा कि हमें जो है बोला गया कि आप सीसीटीवी कैमरा लगाइए। तो मैं कैमरे वाले को लेके साइड पे गया, वहां पे बैठा था। तो कैमरा लेके गया, सब साइड चेक कराया उसको और वायरिंग के लिए वो कर रहा था। तो इश्तियाक आया तीन लड़कों को लेके और उसने मुझे बुलाया। तो मैं पीछे बैठा था कैमरा वाले के साथ में, मैं आया उससे बात करने के लिए। तो वो सैफ जो है, कैफ है, सैफ है, कौन है वो नाम नहीं मालूम, हम लोग बैठ के बात कर रहे थे। तो उसने हमें जो है कुर्सी पे बैठे थे तो लात खींच के मारा, लात से मारा तो मैं नीचे गिरा। उठने के बाद मैंने उसको मारा। फिर ये वही है जो हम कह रहे थे कि 17 वर्षीय नवयुवक है जिसका कान का पर्दा फट गया था। जी हाँ वही है। अच्छा, उसका आपसे झगड़ा हुआ था? जी मेरे से हुआ था। अब ये चार लोग मार रहे थे तो उस टाइम पे मैंने भी मारा और उसने ही पहले मारा है। तो मैंने मारा, तो मैं मारने के टाइम उस टाइम अपने आप को बचाने के लिए मैं मारा। तो मैं ये थोड़ी देख रहा था कि उसके कान पे लगेगा कि नाक पे लगेगा, मुंह पे लगेगा। मैं मेरे बचाने के लिए, मैं मेरे बचाव के लिए मैंने उसको मारा। इश्तियाक ने तो कहा है कि आप उसे वहां पे गुंडे लेके आए थे। कोई नहीं था वहां पे, आप जाके वहां पे जो लोग हैं, मैं अकेला तो था नहीं, वहां पे लोग हैं, बढ़ोतरी है 5-6 बाकी के लोग हैं वहां पे। आप खुद जाके उनसे पूछिए कि वहां पे कोई था क्या। फिर क्या हुआ?
पुलिस कैसे? फिर उसके बाद इसने 100 नंबर पे एनसीआर किया, 100 नंबर पे कॉल किया इश्तियाक ने। मैं गया थाने में, मैंने इसके नाम से एनसीआर किया, इसने मेरे नाम पे भी एनसीआर किया। जब झगड़ा हुआ था उस वक्त क्या टाइम हुआ था? कुछ तीन साढ़े तीन का टाइमिंग था। और पुलिस कितने बजे आई थी? पुलिस आई थी कुछ 4:15 बजे। सबको लेकर के गई थी? नहीं, मेरे को और इश्तियाक को लेके गई पुलिस। और वो जो तीन जो बच्चे थे? नहीं, उनको नहीं लेके गए। तो वो वहाँ कैसे पहुंचे? नायगांव पुलिस स्टेशन पहुंचे थे वो भी? वो बाद में उनको बुलाए। अच्छा, उनको बुलाया था? हाँ, बाद में बुलाया उनको, क्योंकि वो तीनों जाके उधर कभी भड़ोतरी को गाली देते हैं, खाली कर पैसा दे, कभी जो है वो अपना झाड़ वाला है, नर्सरी वाला है, उसको गाली गलौज करते हैं। हाँ, जाके उधर तीन के तीनों जाके धतिंग करते हैं, सबसे पैसा मांगते हैं किसी से। हमारे भाई की प्रॉपर्टी है इश्तियाक की, उसने बोला बैठने के लिए, कब्जा करो बैठो। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद ये तीनों को लेके आया पुलिस चौकी, मैं भी था, इश्तियाक था, और वहां का डिपार्टमेंट का पुलिस वाले थे सब वहां पे। इसका भी एनसीआर लिया, मेरा भी एनसीआर लिया, दोनों का एनसीआर लिया। एनसीआर लेने के बाद मैं वहां से निकला, आया घर पे, इश्तियाक गया अपने जगह। नहीं, उसमें जो ये मोड़ आ रहा है कहानी पे कि नायगांव पुलिस ने फिर उन तीनों को पीटा, जो तीन जो बच्चे आए थे बाद में, उनको पीटा क्या उन्होंने? नहीं सर, मेरे सामने नहीं मारा। ये आरोप लगाया जा रहा है कि नायगांव पुलिस ने उनको मारा है, क्या सही बात है? नहीं, मेरे सामने नहीं मारा सर। उसका जो कान का जो पर्दा फटने की बात सामने आ रही है जी, तो पुलिस पे आरोप लगाया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहोगे? नहीं सर, ये वहां पे हुआ था, ये हमारे साथ में हुआ था, और उससे एक दिन पहले भी इनका फैमिली मैटर था, जिससे लफड़ा हुआ है, मारपीट हुआ है, इनके पूरे फैमिली के लोग आके अपने पास जो है रो रहे थे, उसका भी वीडियो रिकॉर्डिंग है बाकायदा अपने पास, मोबाइल इनका सैफ कैफ और रूबान ने मिलके मारा था, तोड़ दिया था मोबाइल, वहां पे भी मारपीट करके आए थे। हाँ, ये इश्तियाक जितना बोलता है उतना ये तीन करते हैं। नहीं, तो आप क्या कहना चाहते हो कि उस जो 17 वर्षीय जो नवयुवक है उसके कान का पर्दा कैसे फटा? वो मारपीट से फटा सर, आपके साथ जो? हाँ, अपने साथ में जो है उससे। और सर मैं तो बोलता हूँ, वो बोलता कान का पर्दा फटा हुआ है, अब भी मैं देखता हूँ वो खड़े होकर सिगरेट पीते रहता, गुटखा खाते रहता है, और बाद में जाता है उधर बैठ जाता है, वहां से वो बोलता है मेरे कान का पर्दा फट गया, मैं हॉस्पिटल में हूँ। इस सारे मामले में जो सीधे तौर पर आरोप विनोद वाघ साहब पे लगाया जा रहा है, राठौर जी पे लगाया जा रहा है, इस मामले में उनकी क्या भूमिका है? सर देखिए, आरोप लगाना और आरोप को सिद्ध करना बहुत अलग होता है। आरोप लगाया है तो आरोप को सिद्ध करे, ऐसा तो कुछ है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, मैंने देखा है। झूठा आरोप लगाया? झूठा आरोप लगाया, झूठा आरोप लगाया, झूठा आरोप लगाया। तो अभी पुलिस प्रशासन की आप जो आपका जो प्रॉपर्टी विवाद है उसमें क्या भूमिका है? क्या सही ढंग से पुलिस प्रशासन काम कर रहा है? पुलिस प्रशासन अपने तरफ से वो मतलब जो सही है वो कर रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि भाई जो यहाँ पे विवाद हो रहा है उनका कोई उसमें प्रशासन का कोई गलत वो नहीं है उसमें। उन्होंने सुझाव दिया भाई अगर यहाँ पे लिटिगेशन जो है, यहाँ पे जो भी लफड़ा हो रहा है, आप आके एनसीआर करो, ये आके एनसीआर कर रहा है, इससे अच्छा आप वहां सीसीटीवी कैमरा लगाओ और उसकी बाकायदा हमें डेली के डेली सूची दी जाए, वहां पे जो आता जाता है क्या है वो मेरे पास रिकॉर्ड होना चाहिए। वहीं इस जमीनी विवाद में एक नाम और सामने आया जिनका नाम असलम अब्दुल हामिद खान है। वहीं असलम खान ने हमें जानकारी दी कि इश्तियाक जिस प्रॉपर्टी को अपना बता रहा है वह जमीन उसकी है, तथा उस जमीन पर जो किराएदार हैं उन्हें असलम ने ही किराए पर रखा है, जिसका किराया जबरन इश्तियाक वसूल रहा है, तथा इश्तियाक ने एक बार असलम के कार्यालय पर तोड़फोड़ भी मचाई थी, तथा एक बार उस जमीन के एक किराएदार की नर्सरी के सारे पेड़ पौधे उठाकर फेंक दिए थे। अब सवाल उठता है कि आखिर सैफ को मारने पीटने के मामले में इश्तियाक क्यों झूठ बोल रहा था? वहीं इन सारी तमाम बयानों के आधार पर स्पष्ट तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इश्तियाक किसी विशेष मंशा के तहत असल मामले से ध्यान भटकाने के लिए नायगांव पुलिस कर्मियों पर आरोप लगा रहा था। क्या नाम है आपका? असलम अब्दुल हमीद खान। समझिए, प्रॉपर्टी का विवाद जो चल रहा है किन्हीं और लोगों से, वो प्रॉपर्टी कहाँ पे है? नायगांव ट्यूरी रोड पे है।
नौका टावर के बाजू में। किसके साथ चल रहा है प्रॉपर्टी विवाद? मेरा रश्मि के साथ में चल रहा है। 2016 से हम लोग का केस चालू है। 2016 में हमने क्रिमिनल केस डाले थे और 2023 में हमने फाइल शूट की है। और इश्तियाक का क्या मामला है? इश्तियाक का कैसे है सर कि उसने हमारे को इस्माइल ने उन लोगों से मिलाया था और इस्माइल ने मिलाया तो ये लोग ने बोले ठीक है हम ये प्रॉपर्टी 2 महीने में क्लियर करके आपको 7 बार आपके नाम पे करके देंगे। तो ये लोग करके नहीं दे पाए तो मैंने बोला भाई जब आप आपसे नहीं हो रहा है तो आप साइड हट जाइए। तो और इसमें से जो 3 लोग थे वो चले गए। उन्होंने मुझे लिख के भी दे दिया है कि गफ्फार ने और इस्माइल ने कि भाई ये जमीन से हमारा कोई लेना देना नहीं है और ये इश्तियाक अभी जबरदस्ती कर रहा है उस जमीन पे। और दूसरी बात यह है कि वो दोनों लोगों ने मुझे एफिडेविट भी वकील के इधर बना के दिया हुआ है कि भाई ये प्रॉपर्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, अभी हम ये प्रॉपर्टी से साइड हो रहे हैं। और ये जो है अभी इश्तियाक जो है इसमें जबरदस्ती कर रहा है और यही सब उंगली कर रहा है इधर उधर और हमारे को वहाँ लड़की बिठाता है, ये सब करता है, छेड़खानी करता है, हमारे ऊपर कंप्लेन डलवाता है, ये सब बातें करता है वहाँ। इश्तियाक का तो कहना है कि उसका मामला भी कोर्ट में विचाराधीन है। नहीं, उसका कोई कोर्ट से लेना देना नहीं है। कोर्ट से मेरा केस चालू है। जब भी 2016 में हमने केस किया था 181/2016 वो क्रिमिनल केस था और अभी जब हमने 2023 में केस किया है वो 12/2023 उससे केस से इश्तियाक का कोई लेना देना नहीं है। इश्तियाक का कहना है कि लगातार उस पर दबाव डाला जा रहा है, गुंडों की ताकत से उसे बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है, ये सारा मामला क्या है? सर ऐसा है कि गुंडों का मसला ये है कि जो गुंडे खुद ही हैं तो उनको और कोई क्या दबाव डालेगा। दुनिया भर क्रिमिनल केस तो उन लोगों के ऊपर है, अहमदाबाद में है, एमपी में है। सर मैं आपके क्राइम न्यूज के माध्यम से लोगों को यह बताना चाहता हूं कि मेरे साथ में इश्तियाक नामक व्यक्ति आए दिन कुछ ना कुछ मुझे परेशान करता है, मेरे प्लॉट पे आके लोगों को धमकी देता है, मुझे भी धमकी देता है, मेरे पार्टनरों को भी धमकी देता है। आए दिन उसने मेरे आज के 2-3 महीना पहले मेरी ऑफिस तोड़ दी, उसमें जबरदस्ती तोड़फोड़ की। मैंने पुलिस स्टेशन में भी उस व्यक्ति के नाम पे कंप्लेन डाली है। अभी कुछ दिन पहले नर्सरी में आके उसने तोड़फोड़ की, नर्सरी का वीडियो मैंने बनाया था, वो वीडियो मैंने नएगांव पुलिस स्टेशन में कंप्लेन डाली है और अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। और दूसरी बात मेरे भड़ोतरियों को भी आके ये गाली गलौज करता है, मारपीट करता है, आए दिन कुछ ना कुछ ये नई नई हरकतें करते रहता है। अभी बीच में हमारे शाहिद भाई कैमरा लगाने गए थे उस टाइम पे भी उसने मारपीट की, उसके 4 लोगों ने और इश्तियाक ने मिलकर मारापीटी की, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी डाली है, उस पर भी उस पर कार्रवाई होनी है। और सर दूसरी बात, इसने फर्जी मीटर मेरे प्लॉट पे लगाई थी जिसकी मैंने कंप्लेन देके वापस उखाड़ी है। ये हर वक्त कुछ ना कुछ आए दिन नए नए हरकतें करते रहता है, लोगों को परेशान करता है, मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, हमारे पार्टनरों को भी गाली गलौज की है और इसके खिलाफ हम कुछ ना कुछ कंप्लेन डालते ही रहते हैं लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। नायगांव से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।